ये हाली पार्क में जो ये 24 करोड़ रुपए की लागत से जो है ये तैयार हुआ है, और यहाँ जो है घास भी नहीं है और यहाँ कुत्ते को घूम रहे हैं लगातार, और लैट्रिन करते रहते हैं। यहाँ गार्ड की भी व्यवस्था है, लेकिन गार्ड भी जो है वो लेटा रहता है यहाँ पर। नहीं, तैयार हुआ नहीं है जी अभी, आप गलत बोल रहे हो, तैयार नहीं हुआ है। हाँ, उद्घाटन जरूर हो गया इसका, वहाँ पे आप देखेंगे तो नेम प्लेट और वो जो उद्घाटन का पत्थर लगा होता है वो लगा हुआ है, लेकिन तैयार कहाँ हुआ है आप खुद घूम के देख लो। देखो यहाँ पर कुत्ते लेटे हुए हैं, सारी घास खराब कर रखी है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं, कोई पीने के पानी की व्यवस्था नहीं, कोई लेटरिन टॉयलेट नहीं है, और भी देख लो अभी तक झील में पानी नहीं आया। हम तो ये सुन रहे थे कि एक महीने के अंदर झील में पानी आ जाएगा, लेकिन अभी तक ना तो झील में कुछ पानी आया। शराबियों का अड्डा बना हुआ है यहाँ पर, शाम के टाइम लोग शराब पीते हैं, और सवेरे अगर जब हम आते हैं देखते हैं बोतलें फूटी हुई मिलती है, कचरा खिंडा होता है, कहीं कोई डस्टबिन नहीं है, बहुत बुरा हाल है। ये सफाई वगैरह जो है, पत्ते वगैरह जो सारे नहीं पड़े हुए हैं, सफाई वगैरह, सफाई के लिए हमें कई बार बोलते हैं इनको गार्ड को, लेकिन कोई आता ही नहीं है। अच्छा। सफाई का बुरा हाल है, कोई कुछ संभालने वाला नहीं है, गार्ड छोड़ रखे हैं बस वो नाम मात्र के लिए। काफ़ी लोग जो है वो कुत्तों की वजह से नहीं आ पाते हैं, कुत्ते जो है वो पता नहीं किसको जो है काट खाएं और लैट्रिन करते रहते हैं यहाँ घास में। नहीं, ये बेचारे तो लाल घास में भी नहीं घूम पाते लोग बाग, ऐसा है जी, ये बेचारे कुत्तों का पेट भी हमें ही भरना पड़ता है। जो सवेरे घूमने वाले लोग आते हैं ना, ये बेचारे कुत्ते, कभी भूखा कुत्ता ही किसी को काटेगा, इसीलिए लोग क्या करते हैं अपने घरों से कोई रोटी बिस्कुट इनको ले आता है, रस डाल देता है, तब इनका पेट भरता है बेचारों। तो क्या पार्क में सही है इनका? नहीं, पार्क में तो सही नहीं है। कुत्तों के लिए टेंडर भी छोड़ा था इन्होंने गलियों में कि भाई सरकार ने कभी नसबंदी करेंगे, कुत्ते कम हो जाएंगे, ये वो, आप गलियों में जाके देखो कि जितने कुत्ते भरे पड़े हैं मोटरसाइकिल लेके निकलते पीछे लग जाते हैं, तो ऐसे ही पार्क में हाल है। आपका शुभ नाम? प्रवीण। क्या करते हैं आप? मैं कोर्ट प्रैक्टिस करता हूँ, वकील। आपका शुभ नाम? मेरा नाम जगवंत टंडन है जी। अच्छा, सामने अपना नैन सिंह पार्क में पास ही रहने वाले हैं। तो भाई साहब, यहाँ पे सफाई की व्यवस्था बिल्कुल जीरो है। ये पार्क कौन सा पार्क है? ये हाली पार्क है जी। अच्छा। हाँ जी, हाली पार्क है जी। हाँ, अपना नियर और बाकी ये सामने हॉस्पिटल है, गीता नर्सिंग होम। तो यहाँ की जो आप घूमने के लिए आते हो? हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ अच्छा लगता है क्या? अच्छा लगता है क्या, गंदगी फैली पड़ी है चारों तरफ, कहीं पे कोई भी सफाई की व्यवस्था नहीं है। हाँ। केवल चौकीदार तो बिठा रखे हैं यहाँ पे, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा। कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है, कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। सारे ट्यूबवेल बंद पड़े हैं जितने भी पानी वाले हैं यहाँ पे। अच्छा। ना कोई ना कहीं पे कोई व्यवस्था है बाथरूम करने की, और यहाँ पे उसके बाद ये कुत्ते देखो इतने बड़े बड़े सुराख करके बैठे हैं, और जगह जगह इनकी टॉयलेटें पड़ी हैं, कोई सफाई की कोई व्यवस्था नहीं किसी प्रकार की भी। तो कृपया आपसे प्रार्थना है कि यहाँ पे सफाई की व्यवस्था की जाए, और माली वगैरह पानी की व्यवस्था की जाए, और एक बाथरूम की व्यवस्था भी की जाए। यहाँ पे बाथरूम करने के लिए बड़ी सख्त प्रॉब्लम है। धन्यवाद। आपका सब नाम? रघुविंदर सिंह। अच्छा, तो यहाँ घूमने के लिए आते हो, आप कहाँ रहते हो? ये साथ में बिल्कुल सलीपर के साथ ही घर है। अच्छा, तो यहाँ क्या आप स्वास्थ्य को लेकर के आते हो कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे? हाँ जी। तो यहाँ की हालत देख करके आपको कैसा लगता है? हालत तो देख के तो बहुत बुरा लगता है, जिस प्रकार से अली पार का नाम है, पानीपत पे अंदर है एक अली पार, जो आदमी घूमने के लिए आता है, सैर करने के लिए आता है, पर यहाँ गंदगी देख कर तो बहुत बहुत दुख मन दुखी होता है। अब 23 करोड़ रुपए जो लगाया है वो कहाँ पे है? 23 करोड़ रुपए लगाया है, उसकी व्यवस्था कहाँ है? 23 करोड़ की सारे पत्थर, जितनी सड़कें हैं सब टूटी पड़ी हैं, जितने पत्थर लगाए हैं सब टूटे पड़े हुए हैं।
पिछली साइड जाके देखो कि कितनी गंदगी है कि वहां से निकलना ही मुश्किल है। पार्क का उद्घाटन बैक साइड से तो उद्घाटन कर दिया। हाँ, उद्घाटन हो चुका है और कोई व्यवस्था है नहीं किसी प्रकार की। तो ये एक महीने का टाइम दिया था, एक महीना करीब हो चुका है इसके उद्घाटन का, कि भाई झील में जो है एक महीने के अंदर अंदर जो है पानी भर जाएगा, इसमें पानी आ जाएगा। और अभी तक जो है ये सूखी पड़ी है, कुछ नहीं है। क्या पड़ी है वो पानी, वो ट्यूबवेल चलता ही नहीं इनका पानी वाला, तो भरा नहीं है, पर गंदगी जरूर भर गई है। गंद जरूर हो गया, पानी तो भरा नहीं, गंद भर गया। सफाई भी नहीं करा की नीचे, कोई सफाई व्यवस्था ही नहीं है किसी प्रकार की। ये मेन गेट है हमारा, देखो इस मेन गेट पे इतना पानी है आते हुए, बोलो मेन गेट के लिए कितना पानी है, बोलो। आप बोलता बात तो एक ही है, मेन गेट पे कितना पानी हम आते हैं नहीं, जो ये पार्क के अंदर ये बनाया। आपका शुभ नाम? नाम सुंदर कुमार गुप्ता। अच्छा, 83 आदर्श नगर पानीपत। अच्छा, मैं यहाँ कम से कम 30-35 साल से घूमना हूँ। और जो आली पार्क बनाया जा रहा है जिस हिसाब से पैसे लगे उस हिसाब से सही बना नहीं है। पैसे की बनाया तो है, बाकी पैसे के हिसाब से नील है, ये तो नहीं कह सकते नहीं बनाया, बनाया है, बाकी जितना पैसा लगा उसके हिसाब से कुछ नहीं बनाया। तो पहले आप 35 साल से घूमने आ रहे हैं, तो पहले यहाँ हरियाली ज़्यादा थी, अब हरियाली ज़्यादा है? हरियाली तो बल्कि पहले ही ज्यादा, तो काफी पेड़ यहाँ काट भी दिए, जो पेड़ थे पहले हरियाली ज्यादा थी, अब पेड़ काट दिए तो लगाए तो नहीं है। घास लगी है पर पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, वो घास सारी खराब हो चुकी है। कोई माली नहीं है, कोई माली कुछ नहीं है, चार माली चाहिए थी। ये आप कह रहे हैं कि ये घास है यहाँ, और यहाँ जो है ये सारा कूड़ा करकट और सूखा पड़ा हुआ है, पहले घास आप खुद जो है बगैर घास के बैठे हुए हो। अब ये आप कुत्ते भी देख सकते हैं यहाँ, इनके पीछे पीछे जो है कुत्ते घूम रहे हैं बार के सामने, और ये गंदगी फैलाते रहते हैं यहाँ। इन कुत्तों से परेशान है, और बच्चे वो डर की वजह से जो है इनके डर की वजह से आ नहीं पाते, यहाँ कुत्ते ज्यादा घूमते हैं। लोग भी कुत्ते घुमाना है यहाँ पर। ये आली पार्क में बोर्ड लगाया हुआ है जिसमें जो है नो एंट्री, पार्क में साइकिल मोटरसाइकिल खड़ी करना, वह क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, ताश खेलना, चिड़ी बल्ला खेलना सख्त मना है, और पकड़े जाने पर 1100 रुपये जुर्माना होगा। लेकिन इसमें जो ये नहीं लिखा हुआ कि ये आदेश किसके हैं, बस किसी ने वैसे लिख दिया है। लेकिन यहाँ जो है इसमें यह नहीं लिखा कि दारू पीना भी मना है, क्योंकि यहाँ दारू जो है खुल के है, शाम को जो है आप यहाँ आएंगे तो यहाँ दारू पीते हुए जो है खुल के नजर आएंगे लोग बाग। तो यहाँ ये दारू का अड्डा बन चुका है ये पार्क, ये आप देख रहे हैं। पार्क में कूड़ा डालना सख्त मना है, लेकिन सफाई करने के लिए यहाँ कोई नहीं है, और पार्क में जो है यहाँ कूड़ा ही कूड़ा पड़ा हुआ है, आप देखेंगे सफाई कोई नहीं करता यहाँ। सफाई के लिए जो यहाँ गार्ड है, गार्ड भी जो है अपना सोता रहता है बैठा हुआ, उस कोई ध्यान नहीं देता, कुत्ते यहाँ घूमते रहते हैं, घुसते हैं कुत्ते गेट में से। क्या नाम है मेरा? हाँ, राधा रमन। कौन सी सिक्योरिटी है ये? सारण सिक्योरिटी। तो यहाँ किस क्या ड्यूटी है आपकी आली पार्क में? ये ड्यूटी है गाड़ियाँ अंदर करानी है, और देखा वाली इधर उधर सामान देखा वाले। कुत्तों की यहाँ जो एंट्री वेन है, क्रिकेट की जो है यहाँ नहीं खेला जा रहा है, वो बोर्ड लगा हुआ है। क्रिकेट मना किया उनको, सुपरवाइजर फोन किया मैंने। नहीं, यहाँ कुत्ते फिर कैसे घुस रहे हैं, यहाँ आदमी से ज्यादा कुत्ते घुस रहे हैं यहाँ पे।
और कुत्तों की भरमार हो रही है पार्क में, तो किसकी ड्यूटी है ये? निकालते कहाँ सर कुत्ते, इधर खुला पड़ा है तो भुरियाते हैं, निकालते कहाँ? नहीं निकालते हैं तो रास्ता तो यही है, तो क्या करते रहते हो, सोते रहते हो यहाँ बैठे हुए जहाँ छाँव में वहाँ पे हैं? अपनी ड्यूटी पूरी नहीं निभा रहे हो हैं? या फिर ये कुत्ते कैसे घुस गए, फिर ये क्रिकेट कैसे खेला जा रहा है पार्क में, पर यहाँ दारू इतनी पी जाती है, यहाँ बोतलें पड़ी रहती हैं, यहाँ अंदर तो बस सर मेरी नाइट की ड्यूटी है, नाइट में तो अंदर 8 बजे के बाद कोई नहीं बैठेगा, यहाँ इतनी बोतलें जो है वहाँ पड़ी रहती हैं, हैं दारू पीते हैं अंदर जा जा करके, इसका मतलब किसकी मिली भगत है फिर? सर जो भी होता है दिन में होता है भाई, दिन में नहीं रात की बात है, सुबह को जब आते हैं तो यहाँ दारू की बोतलें मिलती हैं, 8 बजे के बाद सबको निकाल देता हूँ, यहाँ कोई नहीं मिलता है, और 8 बजे के बाद ही यहाँ दारू उधर चलती है कोने में पार्क में, फिर कौन पीता है ये वहाँ पे दारू, फिर स्टाफ के पीते हैं क्या? उधर की सर नहीं मालूम है, इधर की ड्यूटी के यहाँ से वहाँ तो मेरा पॉइंट है, क्रिकेट खेल रहे हैं जो, हाँ यहाँ से और इतने तो ये पार्क की ड्यूटी नहीं है, इधर भी ड्यूटी है देता फिर? ड्यूटी इधर भी देता फिर कैसे कह दिया आपने कि भाई ये मेरी ड्यूटी नहीं है? नाइट में उधर किसी को अंदर नहीं जाने देता हूँ, इधर तो जाते ही नहीं, तो इसका मतलब वो स्टाफ के पीते हैं फिर क्या? अगर कोई अंदर किसी को अंदर नहीं जाने दिया जाता, सुबह को जो ये शराब की बोतलें मिलती हैं, इसका मतलब स्टाफ पीता वहाँ बैठ करके, कौन है वो स्टाफ जो वहाँ दारू पीता है, कौन बैठते हैं वहाँ स्टाफ के? बता तो रहे आपको 8 बजे के बाद मैं तो यहाँ ड्यूटी पे होता हूँ, यहाँ तो कोई नजर नहीं आता मेरे को, तो स्टाफ के तो नजर आते होंगे ना फिर, स्टाफ के कौन कौन यहाँ नजर आते हैं? स्टाफ का कोई नहीं है पार्क में, क्या आपने कमरे पे रहते हैं वो लोग पार्क में कोई नहीं? अच्छा कमरे पे रहते हैं, चलो ठीक है, कमरे से बाहर नहीं निकलते मतलब, पार्क में घूमने के लिए नहीं जाते, दारू पीने के लिए नहीं जाते क्या? दारू वारू के लिए नहीं, ये पानी वानी अपना भर ले जाते हैं। अच्छा अच्छा चलो ठीक है।